अस्सलाम वालेकुम परदेसी स्क्वाड, क्या हाल चाल है। आज हम फिर से निकल गए हैं एक मिशन के लिए। जयान जो है, जयान बाबा हेलो कर दो, से हेलो। आज हम इसके बाल कटाएंगे, आई होप कि ये रोए ना। इसको बेसिकली वो जो मशीन चलती है ना, और हेयर ड्रायर जो चलते हैं, उसकी आवाज़ इसको पसंद नहीं है, तो उसे डरता है। तो कोशिश करते हैं कि सीजर कटिंग कर लें और जान छूट जाए हमारी, कि इसके बाल जो हैं बहुत बड़े हो गए हैं। हाँ 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 हाँ, जा रहे हैं जा रहे हैं। इसके भाई भी साथ आए हैं सपोर्ट के लिए। जी जयान, बाल कटाने? यस। कहाँ जाना? कहाँ? साडा निक्का स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन वाली जुत्ती। जयान हॉट डॉग खाना तू? गरम कुत्ते नहीं खाई थे? आ जा। घूम घुमा के हम फाइनली अपनी हेयर कटिंग वाली दुकान पे पहुंच गए, लेकिन एंटर होते ही मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि जियान का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन एंटर होते ही ये इधर उधर देखने लग गया, एंड टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा परेशान लगा। मैंने जियान के भाइयों को कहा कि इसके साथ थोड़ा सा खेलो ताकि ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, लेकिन जियान का ध्यान फिर भी इधर उधर था, एज इफ ही ऑलरेडी न्यू कि आज तो मेरा हेयर कटिंग वाला दिन आ गया। फिर उसको अचानक लगा कि शायद आज मेरी बारी नहीं है, शायद हम किसी और की कटिंग के लिए आए। लेकिन बारी तो उसी की थी, और फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको उठाया, एंड आई होप फॉर द बेस्ट। फिर अचानक मेरे पास एक आइडिया आया। मैंने आहिल को कहा कि तुम आओ और प्रटेंड करो कि तुम्हारी कटिंग हो रही है, ताकि जियान आहिल को देख के थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन क्या यह प्लान कामयाब रहा, आगे आगे देखिए। बार्बर भैया ने आहिल के ऊपर हेयर कटिंग का नाटक शुरू किया, लेकिन जियान ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और उसको बैठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो फुल स्टिफ हो गया और अकड़ गया। अब मुझे समझ में ना आया कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि जैसे मैं बैठता था ये रोना शुरू हो जाता था। फिर मैंने बार्बर भैया के साथ वन टू वन एक मीटिंग की, जहां हमने डिफरेंट आइडियाज डिस्कस किए, लेकिन जियान किसी भी बात पर राजी नहीं था। अब आप देख सकते हैं कि जियान कितना रो रहा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इसमें थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी शामिल है, आखिर मेरा बेटा है ना। फिर मैंने देसी डैडीज की तरह सोचा और जियान को जोर से काबू करने की कोशिश की, लेकिन माशाल्लाह आई मस्ट से कि बहुत ही स्ट्रांग बच्चा है ये, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बार्बर भैया ने सीधा बड़ा वाला मशीन निकाला और इसकी खोपड़ी पे रगड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जियान बहुत हिल रहा था, इसलिए हमने बैकअप के लिए एक और बंदा बुलाया ताकि ये इसकी मुंडी को पकड़ सके। बहुत ही मुश्किल के साथ इसने अपने बाल कटवाए। इसके बाल काटना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन स्लोली स्लोली वी वर गेटिंग देयर। और फाइनली बहुत सारी कुश्तियों के बाद वी वर फिनिश्ड विद द हेयर कट, और उसका मूड ठीक करने के लिए बार्बर भैया ने उसको एक चीजी दे दी। पर जियान ने कहा एक से काम नहीं चलेगा, पूरा डब्बा दो भैया।
और शुक्र है कि 5-10 मिनट के बाद जियान का मूड ठीक हो गया और हमने वहां से निकलने की टाटा बाय बाय सी यू अल्लाह हाफिज। ले गाइस, मिशन कंप्लीट फाइनली। शुक्र है। कितना मुश्किल है इस बच्चे के बाल काटना, बड़ी मुश्किल से कटवाए लेकिन कटवा लिए, है ना जियान। अब बारी आ गई साफ सूफ होने की, यानी कि शावर टाइम। लेकिन शुक्र है नैया नैया करते वक्त ये नहीं रोता। छोटी मासी। चले जी, नैया नैया हो गई हैं और कपड़े भी बदल लिए हैं। अब हम जाएंगे पार्क में। मौसम अच्छा था तो मैं जियान को लोकल पार्क में ले गया, जहां इसने एक घंटा हमसे झूला पुश करवाया। लेकिन मेरे जेन में एक ही बात चल रही थी कि अगले हेयर कट में क्या होगा। सो गाइस, ये है वन ऑफ माय फेवरेट बॉक्सिंग जिम्स, जहां पे मैं अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग करता हूं। और मैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग क्यों करता हूं इज बिकॉज आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द स्पोर्ट। बॉक्सिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, स्पेशली डिसिप्लिन, और मेरे वेट लॉस के पीछे भी बॉक्सिंग का बहुत बड़ा हाथ है। और ये है मेरा दोस्त हैरी, जेड़ा यीजी दी बूट पा के मैनू खतरनाक बॉक्सिंग सिखाता है। मेरा दोस्त एक बहुत ही जालिम कोच है और मुझे बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है। इतने तुसी वेख सकते हो कि मैंने पट्टियां चढ़ा भी रहा तो पट्टियां पढ़ा भी रहा, और मैं इसके साथ ट्रेनिंग करके बहुत इंजॉय करता हूं और सेटिस्फाई भी होता हूं, बिकॉज दिस गाय नोज हिज स्टफ। वेट ट्रेनिंग से लेके बॉक्सिंग ट्रेनिंग तक ये मेरा कचूमर निकालता है। और आप देख सकते हैं कि भाई भी थोड़ा थोड़ा फॉर्म में आ रहा है। अगर मुझे कोई चैलेंज करना चाहिए बॉक्सिंग में तो कर सकता है। और अब आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी एनर्जी गिर रही है और मेरी फूंक निकल रही है। और जैसे ही मुझे लगा कि मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, भाई साहब ने मुझे सर्कट ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दिया। आखिरी आधा घंटा ये इंसान मुझे बहुत बुरा लगा, दिल कर रहा था कि हैरेसमेंट का केस कर दूं इसके ऊपर, लेकिन मैंने भी गिव अप नहीं किया। और ये साला मेरी बैंड बजा के हंस रहा है। और सेशन के एंड पे मैं हमेशा कहता हूं कि अगली बार नहीं आऊंगा, लेकिन I'll be back. Don't forget to like, share and subscribe. Peace out.